हेलो एंड वेलकम। तो ये BTC का वीकली अपडेट है और इस हफ्ते में BTC क्या क्या कर सकता है, लेवल्स क्या क्या है, वो सब कुछ हम डिस्कस करने वाले। ओके, तो हमेशा की तरह सबसे पहले BTC देखेंगे, फिर BTC डोमिनेंस, टोटल मार्केट कैप 3 हम देखेंगे और USDT डोमिनेंस हम देखने वाले, जो अल्ट कॉइन ट्रेडिंग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस हफ्ते में कवर करने वाले। बहुत से लोग अभी हमेशा की तरह अक्टूबर माना जाता है, तो अक्टूबर में हिस्ट्री ऐसा है क्रिप्टो में कि बहुत बार मार्केट ऊपर गया है। ठीक है, अब इस बार क्या हो रहा है कि 6-7 महीनों से ना मार्केट काफ़ी कंसोलिडेशन में, मार्च महीने से हम देख रहे थे कि मार्केट कंटिन्यूअसली एक रेंज में, मंथली चार्ट अगर आप देखोगे तो कंटिन्यूअसली मार्केट एक रेंज में बैठा है ना। तो उसकी वजह से क्या होता है कि रेंज की वजह से ना ज़्यादा कुछ मूवमेंट हुआ नहीं मार्केट में। ओके, तो जैसे आप देख रहे हो एक रेंज पूरा बना यहाँ पे। ओके, ज़्यादा करके ऐसे होता नहीं है, कुछ कुछ टाइम ही होता है जब मार्केट ऐसे रेंज में होता है। देखो लास्ट 2022 में देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 महीने के लिए था। दिसंबर के बाद फिर से जो बुल रन तब स्टार्ट हुआ था, मिनी बुल रन, तब से हम ऊपर ही थे। ठीक है, तो वैसे अभी एक कंसोलिडेशन फेज में, इसके बाद मार्केट ऊपर नीचे दोनों तरफ ब्रेक कर सकता है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है इस साल, तो वो है इलेक्शन, तो USA इलेक्शन है नेक्स्ट मंथ नवंबर में, तो वो आगे का ट्रेंड डिसाइड करके BTC ऊपर जाने वाला है, नीचे जाने वाला, अल्टकॉइंस क्या करने वाले, ओवरऑल ऐसा आप देख सकते हो। ठीक है, तो हिस्ट्री अगर हम देखेंगे तो 2016 में इलेक्शन हुए थे, 2020 में इलेक्शन हुए थे, हर बार जब भी USA इलेक्शन होते हैं उसके बाद मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट होता है। और लकीली जब भी USA इलेक्शन जिस साल होते हैं तभी हमारा हाफिंग भी होता है, तो दोनों कोरिलेशन एक साथ चल के फिर ऐसे दिखता है कि हाँ चलो हाफिंग की वजह से है या इलेक्शन की वजह से मार्केट नेक्स्ट ईयर जो है बुल रन में जाने की तैयारी करता है। ठीक है, तो चांसेस तो है बुल रन के, देखते हैं। अब USA इलेक्शंस तो है, उसके बाद क्या होता है, ट्रंप आते हैं नहीं आते, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहेगी, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो पैसा मूव करते हैं मार्केट टू मार्केट, तो तब डिसाइड होगा उसके बाद कि कहाँ पैसा जाने वाला है, क्रिप्टो में कितना आएगा, तो वो हमें बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, तो चलो अभी वीकली अपडेट देख लेते हैं, अक्टूबर है या नहीं वो अभी रेंज में आपको देके रखता हूँ, क्योंकि वैसे भी हम रेंज में हैं, तो एक लेवल्स अगर पता है तो लेवल के बाद बुलिश बेरिश हम एटलीस्ट हो सकते हैं ना, तो आप अपने ट्रेड वैसे प्लान करो। अब देखो सबसे पहले BTC देखते हैं, BTC की लेवल जो है, लास्ट टाइम मैंने आपको 64,000 कुछ लेवल दी थी, उसके ऊपर बोला था कि सस्टेन हो जाए तो हम बुलिश हो सकते हैं, तो वीकली की मैं हार्डली एक कैंडल दिया और फिर अंदर आ गया, 64 के ऊपर सस्टेन नहीं हुआ, उसके बाद 55,000 का हमारा ट्रेंड लाइन था जिसके नीचे हम बेरिश होने वाले थे, तो मार्केट उसी रेंज में अभी तक ट्रेड कर रहा है। ठीक है, ऊपर 68,000 का लेवल है, तो एक पूरा 68,000 से लेके 55,000 के रेंज में बहुत टाइम से मार्केट, आई थिंक अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर, अभी 2-3 महीनों से एक ही रेंज में हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब कहाँ पे हम बुलिश हो सकते हैं, बेरिश हो सकते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। सबसे पहले बुलिश केस सुन लेते हैं, बुलिश केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे ऊपर एक ट्रेंड लाइन ऐसे बन रही है। ओके, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती बाय एनी चांस, तो 64,600 के ऊपर भी हम सस्टेन हो जाते, तो उस केस में हम बुलिश हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे तो एटलीस्ट मार्केट 64 का जोन फिर से रिटेस्ट कर ही सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से बुलिश हो गया, सपोर्ट ले लिया है, नो डाउट काफ़ी अच्छा सपोर्ट है, यहाँ से बुलिश भी हो सकता है, लेकिन हमें 64,500 टेस्ट करेगा तब पता चलेगा कि एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट अगर बनता है तो फिर चांसेस है कि यहाँ से हम ऊपर की तरफ ये ट्रेंड लाइन जो है 68,000 के आसपास भी हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो देखने गए तो 64,000 नेक्स्ट हमारा रेजिस्टेंस रहेगा, अगर आप यहाँ से लॉन्ग भी हो तो 64,000 का रेजिस्टेंस है, उसके पहले आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे देखो, डेली टाइम फ्रेम की 20 MA अभी रेजिस्टेंस बन रही है ना, डेली टाइम फ्रेम की 20 MA भी अभी रेजिस्टेंस बन रही, वो अगर ब्रेक हो जाती है उसके ऊपर आके अगर एक दो दिन में सस्टेन हो जाता है तो ठीक है, फिर हम 64,000 रीटेस्ट कर सकते हैं। अगर ये 20 MA आज ही रोक दे इसको और ऊपर जा नहीं पाएगा मार्केट, तो फिर यहाँ पे ये जो डेली की 200 MA है वो लास्ट सपोर्ट बनेगी, उसके बाद फिर चांसेस है कि थोड़ा नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। ठीक है, बहुत बेरिश हम कब हो सकते हैं, ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करके रखी 55,000, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है अभी के लिए मेरे लिए, इस हफ्ते में 59,000 भी इंपॉर्टेंट है, बाय एनी चांस अगर 59,000 के नीचे भी जाना स्टार्ट हो जाए तो गड़बड़ है, फिर मार्केट उतना सस्टेन हो नहीं पाएगा, क्योंकि बहुत बार हमने वीकली और मंथली के ऊपर एंगल्फिंग बनाई, बहुत कुछ बनाया, तो कितनी बार बनाएगा ना मार्केट, उसका भी कुछ लिमिट होता है मंथली कैंडल्स का भी, तो अभी के लिए अगर ये सपोर्ट 59,000 का होल्ड हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर 55,000 अपना लास्ट रिसॉर्ट है, और अगर फिर से वो ब्रेक हो जाए तो यहाँ से बड़ा एक शॉर्ट हो सकता है और उसके बाद फिर मार्केट बहुत नीचे भी जा सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास कुछ रीज़न बचता नहीं है कि हम फिर से 60,000 जोन, 64,000-65,000 जोन में भी चले जाए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है आपके लिए, इस हफ्ते की लेवल जो है, क्योंकि देखो अक्टूबर वैसे ये मंथ पूरा इंपॉर्टेंट है, नवंबर में वैसे भी इलेक्शंस है, तो जो भी होगा ये डिसीजन जोन है पूरा मार्केट के लिए आगे के 6 महीनों का ट्रेंड डिसाइड करने के लिए, तो जो कुछ भी आप करोगे हमेशा प्लान, मतलब जैसे मार्केट जा रहा है वैसे करो,
पहले से प्रेडिक्ट करके बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें मत करो मार्केट में, क्योंकि क्या मार्केट सरप्राइजेस बहुत पसंद है मार्केट को, कभी सरप्राइजेस दे दिया बड़ा अगर कुछ नवंबर में तो गड़बड़ हो सकती है, ठीक है। तो लेवल वाइज जाओ, हर हफ्ते में वैसे मैं आपको लेवल दूंगा। अभी थोड़ा मैं इनएक्टिव था, कुछ पर्सनल काम्स में बिजी था, तो फिर से मैं अभी एक्टिव रहूँगा। और अभी लाइव ट्रेडिंग भी हम स्टार्ट कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, एक दो दिन में वो स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब थी तो एक दो दिन हो नहीं पाएगा, मंडे से मोस्ट प्रॉब्ली हम लाइव ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब डोमिनेंस की बात कर लेते हैं। डोमिनेंस देखो, अभी वो हमने जो लेवल निकाली थी डोमिनेंस की 60% की, जो मैंने आपको 2 साल पहले जब हम मार्केट में यहाँ पे थे जनवरी से पहले 2022 में मैंने आपको बता दिया था कि 60% के आसपास मार्केट रीटेस्ट करेगा। तो अभी भी हम वीकली चार्ट के ऊपर देखेंगे तो डोमिनेंस वहीं पे चल रहा है ऊपर की तरफ, और अभी एनगल्फिंग वगैरह बना के कंटिन्यूसली ऊपर 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 ही चल रहा है, तो ये काफ़ी बुलिश है। हो सकता है यहाँ ये जो ऊपर की ट्रेंड लाइन अगर ये ब्रेक हो जाए ना तो बहुत बड़ा डंप आ सकता है अल्टकॉइंस पे, ठीक है। लेकिन ठीक है, स्कोप बहुत कम है अल्टकॉइंस को डंप होने के लिए, फिर भी मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ये एक ट्रेंड लाइन ऊपर की याद रखना, ओके। इसमें कुछ भी गड़बड़ हो सकती है अगर ये ब्रेक हो जाए तो, अगर यहाँ से रिटेस्ट करके डंप हो जाए इनकेस नीचे की तरफ तो अपना बुल रन फिर स्टार्ट हो गया, ऐसे समझ लो अल्टकॉइंस में, ठीक है। तो ये डोमिनेंस हमें ये चीज़ें बताएगा, और टोटल मार्केट कैप जो है ये भी BTC की तरह ही चार्ट बना रहे। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे फ्लैगपोल काइंड ऑफ पैटर्न बना है, ये पूरा फ्लैगपोल ही बन रहा है। मतलब टोटल मार्केट कैप देखो, टोटल मार्केट कैप 3 देख लो, हर जगह पे आपको ये ऐसे ही फ्लैगपोल दिख रहे हैं, बुलिश फ्लैगपोल। BTC में भी ये बुलिश फ्लैगपोल बना है, तो चांसेस है कि बुलिश फ्लैगपोल है तो ऊपर की तरफ ब्रेक हो सकता है। वैसे वो वक्त ही बताएगा क्या करेगा ये, ठीक है। तो वैसे ये फ्लैगपोल हर जगह पे बने, तो टोटल मार्केट कैप देख लो, टोटल मार्केट कैप 3 भी देख लो, उसमें वही हाल है। अब USDT डोमिनेंस में एक चीज़ ऑब्जर्व करो कि ये जो चैनल यहाँ पे बना है ना, ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय एनी चांस अगर यहाँ पे वीकली लेवल का ये जो 200 EMA है ये ब्रेक हो जाता है और ये चैनल नीचे की तरफ ब्रेक हो जाता है, तो आप समझ लो कि यहाँ से बहुत अच्छा बुलिशनेस आ जाएगा अल्टकॉइंस में, और ये ट्रेंड लाइन अगर फिर होल्ड नहीं कर पाएगी तो मोस्टली बहुत बड़ा बुल रन हम देख सकते हैं। कहाँ तक? तो ये 2% वगैरह तक नीचे की तरफ भी आ सकता है, ठीक है। तो ये चैनल आपको गाइड करेगा बुल रन आएगा नहीं आएगा, इनकेस बाय एनी चांस अगर ये 200 EMA होल्ड कर देती है, ओके, बाई एनी चांस अगर ये होल्ड कर देती है और यहाँ से अगर हम ये क्रॉस करके सपोर्ट ले ले 100 EMA को, और ये अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो जाए तो थोड़ा बहुत बेरिश अल्टकॉइंस में आपको दिख सकता है, तो ये भी आप तैयारी रखो। लकीली उसने एक चैनल बनाया, तो BTC में जैसे फ्लैगपोल बनाया टोटल मार्केट कैप में सब हर जगह पे फ्लैगपोल्स बने, तो वैसे यहाँ पे ये चैनल बना है, तो ये हमें गाइड करेगा कि मार्केट नीचे ब्रेक करता है तो, मतलब ये डोमिनेंस USDT डोमिनेंस नीचे ब्रेक करता है तो अल्टकॉइन सीजन आ जाएगा आपके लिए, और ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो बेरिशनेस आएगा मार्केट में, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें होती है, इतना टाइम मार्केट क्यों होल्ड कर रहा है ये आप पूछोगे, तो वो मैंने आपको बताया कि नवंबर में इलेक्शन, इसलिए मार्केट 6 महीनों से होल्ड कर रहा है, क्योंकि देखो इलेक्शंस, US इलेक्शन एक बहुत बड़ा इवेंट है, और स्पेशली जब आपने देखा हो कि क्रिप्टो के लिए ना बिटकॉइन USD जो डॉलर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर डॉलर का फेट ही इलेक्शन डिसाइड करेगा तो डॉलर कहाँ पे जाने वाले, इसके बाद पैसा कहाँ पे फ्लो होगा, उसके ऊपर आगे का ट्रेंड, आगे का जो 4-5 सालों का जो प्रोजेक्शन है बड़े लोगों का, जो भी इंस्टीट्यूशंस है वो भी अपने प्रोजेक्शंस उस हिसाब से प्लान करते हैं कि मार्केट किस तरफ बढ़ सकता है और कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। तो और ऑलरेडी ऑल टाइम हाईज पे चल रहे बहुत सारे मार्केट्स, लेकिन इलेक्शन है तो इंपॉर्टेंट इवेंट है, तो ये कंसोलिडेशन का ही फेज रहेगा। दो तीन महीनों से आप देखोगे बाकी मार्केट्स में भी थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन चल रहा है, ऊपर की तरफ ही चल रहा है, ठीक है। तो देखते हैं अभी डिसाइड होगा ट्रेंड, तो टेंशन मत लो। मेरे हिसाब से नवंबर के बाद एक अच्छा ट्रेंड बनेगा, ऊपर बनता है नीचे बनता है, अगर आप ट्रेडर हो तो अच्छा डायरेक्शन आपको मिल सकता है और अच्छा ट्रेड कर लो, क्योंकि बाद में फिर से कंसोलिडेशन में चला गया समझो तो आपको फिर से वेट करना पड़ता है। और अगर मार्केट क्रैश हो जाता है तो बहुत कुछ डरने की जरूरत नहीं है, बाइंग करते रहो अल्टकॉइंस की। नेक्स्ट रीजन मे बी एक डंप भी आ गया तो भी बाद में बुल रन आने के चांसेस ज़्यादा है नेक्स्ट ईयर, क्योंकि मैंने आपको बताया इलेक्शन हिस्ट्री ऐसा है कि इलेक्शन जब भी हुआ USA का उसके बाद नेक्स्ट ईयर ही, मतलब 2012 देख लो, 16 देख लो और 20 देख लो, 12 में इलेक्शन हुए 13 में बुल रन आया, ओके, 16 में इलेक्शन आया 17 में बुल रन आया, 20 में इलेक्शन हुए 21 में बुल रन आया, तो ये होता ही है मोस्टली इलेक्शन के बाद पोस्ट ईयर जो होता है वहाँ पे बड़ा जनवरी से लेके जून तक अच्छा बुल रन हमें देखने मिलता है आगे 6 महीनों के लिए, ठीक है। तो देखते हैं अभी क्या होता है इस साल, मार्केट से वैसे मार्केट ही डिसाइड करता है, हम कौन होते डिसाइड करने वाले, हम बस उसकी ट्रेंड में रह सकते हैं, ठीक है। तो स्टे ट्यून, अभी लाइव वीडियोज़ भी आएंगे और लाइव ट्रेडिंग हम स्टार्ट करेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।